आइए दोस्तों, क्लास टेंथ के लिए या नाइन्थ के लिए, तो मान लीजिए स्पेशली टेंथ के लिए ये पॉलिनोमियल का जो अल्फा बीटा करके सवाल पूछा जाता है, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा और कितने आसानी से, आइए देखिए समझिएगा राहुल सर के साथ। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज ऑफ अल्फा और बीटा हो। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवेन कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन इज अल्फा प्लस बीटा। वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हियर माइनस बी इज माइनस थ्री एंड ए इज टू, सो एंसर इज थ्री बाई टू बिकॉज माइनस इज ऑल्सो गिवेन। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो वन बाई टू, इसका मान आप लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए जो और कंडीशन है कैसे निकलेगा, और ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो ये आपने निकाल लिया, दोनों मिल गया। अब ये तीन नंबर क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, बहुत आसान होता है। वन बाई अल्फा जोर वन बाई बीटा। देख बाबू, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा ना, तो अल्फा का टेबल बीटा बार पढ़ना पड़ा है ना, तो ये बीटा आ जाएगा यहाँ, और प्लस बीटा का टेबल अल्फा बार पढ़ना होगा, तो वन में अल्फा से गुणा होगा तो अल्फा। तो आप सीधा करके लिख लो ना, अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा बीटा। देखो बाबू, यहाँ इसका मान क्या है, अल्फा जोर बीटा का थ्री बाई टू, थ्री बाई टू और बाई, और अल्फा इंटू बीटा का क्या है, वन बाई टू। तो ये देखो, टू से टू क्या होगा, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, थ्री। समझ में आया मैंने क्या किया, फिर से देखिए गौर से मैंने क्या किया है अल्फा बीटा के मान निकालने में। जब ये क्वेश्चन आया रेसिप्रोकल, जब ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल आए तो ये बटा ये लिखना, लिख देना आंसर हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी माइनस दे रखा है, माइनस दिया रहेगा तो प्लस में लिखना, और प्लस दिया रहेगा तो माइनस में लिखना। देखो ये वैल्यू निकालो, फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस कंडीशन में अगर आपको ये दे दे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस बीस, और पूछ दे वह इसके अल्फा और बीटा क्या हो, जीरो जो, और जब पूछ दिया जाए कि वन बाई अल्फा जोर वन बाई बीटा, तो देखो ट्रिक क्या है कि ये जो दिया है उतना बटा ये, और ये प्लस में दिया है तो माइनस लगाना है, माइनस नाइन अब बटा में ये ट्वेंटी आंसर हो जाएगा। यहाँ तो माइनस नाइन थ्री ऑलरेडी दिया था ना, हाँ वन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री। देखो थ्री आया है, ये ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, ओके। तो देखो नेक्स्ट है बाबू आप लोगों का, तो ये तो निकाल लिए, ये तीन निकाल लिए, अब इसे मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये अल्फा है, ये देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा नहीं, टू अल्फा बीटा, टू ए बी में से टू ए बी घट जाएगा। देखो यहाँ अल्फा बीटा का मान कितना है, जोड़ने पे थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई टू, कट गया, ये कितना आएगा नाइन बाई फोर माइनस वन। तो देखो यहाँ बराबर दे करके चार एकम चार, यानी नौ माइनस चार बटा चार, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाँच बटा चार, दिख रहा है ना क्या आ जाएगा आंसर, पाँच बटा चार। तो ये भी मान आपने निकाल लिया। अल्फा बीटा से डरना ही नहीं है, जब मैं हूँ तो क्या डरना है, किस बात का डर, डरते किस लिए हो, कॉन्फिडेंस लाओ, सवाल बनाओ और मारो एग्जामिनर के मुंह पे। कैसे मारोगे, चला के मत मार दी हलोगे, एग्जामिनर पे जो फार के फेंक दी, फेंकी तो ना नंबर काट ली। देख बाबू ये आप समझ गए, अब यहाँ ये जानोगे क्या, ये जानोगे, ये देखो पांच नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या लोगे एलसीएम। अभी आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या वैल्यू निकाला था, पाँच बटा चार निकाला था, निकाला था ना, या अल्फा बीटा कॉमन एलसीएम हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो, और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या लाए,
पाँच बटा चार, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, वन बाई टू, टू टू जा फोर, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव बाई टू। समझ में आया, तो ये आंसर भी आप निकाल लिए। नेक्स्ट बचा ये, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, मेहनत लगता है बनाने में, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, नाराज हो हमसे, नाराज हो तो आप लोग मत करो, डिसलाइक ही कर दो, क्या दिक्कत है, नाराज चल रहे हो ना आप लोग हमसे, क्योंकि बिना बताए आप लोगों को मैं दूर हो गया आप लोगों से। देख पाओ ये क्वेश्चन, सिक्स नंबर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है तो क्या बचेगा, यहाँ अल्फा और यहाँ क्या बचेगा, बीटा। देखो अल्फा में अल्फा से गुणा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा, और अल्फा बीटा तो बीटा स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब इसका मान आप लोगों ने निकाल रखा, एक बटा दो, देखो यहाँ देखो, इंटू अल्फा प्लस बीटा का भी मान आप लोगों ने निकाल रखा था, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, तो देखो तीन एक कम तीन और दो दूनी चार, तो इसका भी मान आ गया तीन बटा चार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, आपको एक से बढ़कर एक मैथ साइंस सोशल साइंस का तरीका बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और आसानी से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि मेरा वीडियो आपको हमेशा मिले। तो आज के लिए इतना ही।